गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, आज की वीडियो में हम नया चैप्टर आपकी बुक का यूनिट 7 वो शुरू करने जा रहे हैं, जो है भिन्न। बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे कि हम छायांकित भाग के लिए किस तरह से भिन्न लिखते हैं, या अगर आपके पास भिन्न दी है तो उसके लिए आप किस तरह से छायांकित भाग मार्क करेंगे। इसके साथ साथ ही भिन्नों के प्रकार, विषम भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और मिश्रित भिन्न, भिन्न को सरलतम रूप में लिखना। तुल्य भिन्न क्या होती है, दो भिन्नों की तुलना करना, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। और इसके साथ साथ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि दो भिन्नों को हम किस तरह से जमा करते हैं और किस तरह से घटाते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम करेंगे कि हम किस तरह से छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखेंगे, और अगर आपके पास भिन्न दी है तो उसके लिए आप किस तरह से छायांकित भाग को मार्क करेंगे। देखिए बच्चों, भिन्नों को समझने से पहले हम भिन्न की जरूरत हमें क्यों पड़ती है ये जानते हैं। आप आकृति में देख रहे होंगे, ये हमारे पास एक बॉल है तो हम इस तरह से लिखेंगे, या एक रोटी मान के चलिए, ये दो रोटियां हैं तो मैं इस तरह से लिखूंगा, यहाँ तीन रोटियां हैं तो मैं इस तरह से लिखूंगा। अगर मैं एक रोटी को दो भागों में तोड़ देता हूँ तो मेरे पास ये जो एक भाग बचता है इसको मैं क्या लिखूंगा, नंबर। और उसी तरह से एक रोटी को मैंने चार भागों में तोड़ा, अब जो एक भाग बचा है इस चार में से इसको मैं कैसे लिखूंगा। तो बच्चों, जब एक रोटी को मैं दो भागों में तोड़ता हूं तो इसके लिए मुझे गणित में 1/2 लिखना पड़ता है, क्योंकि ये कुल हिस्से मेरे पास दो थे, एक दो, और दो में से एक हिस्सा मैंने लिया है 1/2। इसी तरह से इस आकृति में जो भिन्न है वो बनेगी 1/4, क्योंकि यहां पर मैंने एक रोटी को चार भागों में बांटा और चार भाग में से मैंने एक भाग लिया, तो मैं भिन्न लिखूंगा 1/4। तो इस तरह से ये जो भिन्न हैं इनकी हमें जरूरत पड़ती है अपने दैनिक जीवन में। तो चलिए, अब आपकी एक्सरसाइज के कुछ जो प्रश्न है वो हम हल करते हैं। प्रश्नावली 7.1, छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। बच्चों, ये आकृति दी है और इस आकृति में आपको छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखनी है। तो छायांकित भाग के लिए भिन्न कैसे लिखी जाती है, बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले छायांकित भाग कितने हैं और कुल भाग कितने हैं। अगर मैं कुल भाग की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, मेरे पास जो कुल भाग है वो कितने हैं, चार है। और छायांकित भाग कितने हैं, छायांकित भाग है, देखिए एक भाग ये छायांकित है, दूसरा भाग ये छायांकित है। तो भिन्न क्या होती है, आपने याद रखना है, भिन्न होगी छायांकित भाग बटे कुल भाग। छायांकित भाग के लिए भिन्न कैसे लिखी जाती है, छायांकित भाग बटे कुल भाग। बच्चों, यहां पर आकृति में आप देख रहे हैं कितने भाग छायांकित है, 1, 2, तो दो भाग छायांकित है बटे कुल भाग, कुल कितने, 1, 2, 3, 4। तो बच्चों भिन्न क्या बनेगी, 2/4। तो इस तरह से आप छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखेंगे। बच्चों, प्रश्न नंबर पहले का दूसरा भाग है, इसमें भी आपने छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखनी है। तो बच्चों, जो भिन्न है मैंने आपको बताया था भिन्न कैसे लिखी जाती है, भिन्न लिखी जाती है छायांकित भाग बटे कुल भाग। भिन्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, छायांकित भाग बटे कुल भाग। छायांकित मतलब जिनमें कलर्ड है, जो ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक कलर जिसमें किया है। अब यहां पर आप देख रहे हैं छायांकित भाग कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, पांच भाग छायांकित है, तो 5/कुल भाग, कुल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल
8 है। तो इस तरह से बच्चों भिन्न क्या बनी, 5/8। तो इसी तरह से आप जो पहला प्रश्न है 7.1 का, इसके सभी पार्ट्स बाकी खुद करेंगे। आपने आकृति को देखकर छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखनी है, और भिन्न लिखने का जो तरीका है वो क्या है, छायांकित भाग कितने हैं वो आपने गिनने हैं, और कुल भाग कितने हैं वो आपने गिनने हैं और लिख लेना है, और आपके पास भिन्न बन जाएगी। दूसरे प्रश्न में है, दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। आपके पास आकृति दी है और उस आकृति में भाग भी दिए हैं, और साथ ही साथ आकृति के नीचे एक भिन्न लिखी है, तो इस भिन्न के अनुसार आपने भागों को छायांकित करना है। देखिए, पहली जो आकृति है इस तरह से है, और इसमें कुल अगर आप भाग देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 भाग है, और भिन्न दी है 1/6। तो भिन्न 1/6 है, इसका मतलब छायांकित भाग 1 है, कुल भाग 6 है, तो छायांकित भाग 1। तो आपने 6 भागों में से एक भाग को छायांकित करना है, कोई भी एक भाग आप छायांकित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप छायांकित करेंगे एक भाग को, क्योंकि भिन्न क्या है, 1/6। देखिए, उसी तरह से दूसरा है, दूसरे में आपके पास दिया है 1/4, और आकृति इस तरह से है। अब बच्चों यहां पर कुल भाग 4 है, देखिए 1, 2, 3, 4 कुल भाग 4 है। 4 भाग में से आपने छायांकित कितने भाग करने हैं, एक भाग को छायांकित करना है, क्योंकि अंश में एक है, और भिन्न आपको पता है भिन्न होती है छायांकित भाग बटे कुल भाग। तो छायांकित भाग एक है, कोई एक भाग आप छायांकित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट है उसको पूरा करेंगे। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे पांचवा है, बच्चों पांचवा जो प्रश्न नंबर दूसरे का पांचवा भाग है, इसमें जो आकृति दी है इसमें आप देख रहे हैं 9 भाग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कुल भाग 9 है, और भिन्न बनानी है आपने 4/9, तो 4 भाग आपने छायांकित करने हैं। तो कोई भी 4 भाग आप छायांकित कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से हमने जो हमारे पास भिन्न दी थी उस भिन्न के अनुसार हमने भागों को छायांकित किया प्रश्न नंबर 2 में। और प्रश्न नंबर 2 के जो बाकी प्रश्न बचते हैं, तीसरा और चौथा भाग, ये आप खुद करेंगे। अब बच्चों प्रश्न नंबर 3 करते हैं। तीसरे प्रश्न में बताया है, निम्न में यदि कोई गलती हो तो पहचानिए। आपके पास आकृति दी है और साथ में इसके नीचे भिन्न लिखी गई है। जैसे पहली आकृति है, इसके लिए भिन्न छायांकित भाग के लिए जो लिखी है वो 1/2 है। दूसरी आकृति में छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखी है 1/4, और तीसरी आकृति में छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखी है सॉरी 3/4। और जो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये सारा सही है, कुल भाग 2 है, एक भाग छायांकित है, कुल भाग 4 है, एक भाग छायांकित है, कुल भाग 4 है, तीन भाग छायांकित है। तो उस हिसाब से जो भिन्न है वो आपकी बिल्कुल सही है। अब परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भाग है वो बराबर होने चाहिए। यहां पर आप देख रहे हैं जो 2 भाग है वो आपस में बराबर नहीं है, यहां पर भी सभी भाग आपस में बराबर नहीं है, और यहां पर भी सभी भाग आपस में बराबर नहीं है। तो दिए गए छायांकित भाग भिन्नों को, दी गई भिन्नों को नहीं दर्शाते हैं। क्या लिखे इसमें, दिए गए छायांकित भाग भिन्नों को नहीं दर्शाते हैं। तो बच्चों इसका हल आप क्या लिखेंगे कि जो छायांकित भाग है वो दी गई भिन्नों को नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि जो भाग है ये आपस में समान
नहीं है। बच्चों प्रश्न नंबर चौथा है, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। तो बच्चों आपने पहले एक दिन में देखने हैं कितने घंटे होते हैं। आपको पता है जब इस्तेमाल करेंगे तो जो एक दिन है वो कितने घंटे के बराबर होता है, 24 घंटे के बराबर होता है। तो 8 घंटे एक दिन की भिन्न क्या होगी। आठ घंटे एक दिन की भिन्न क्या होगा बच्चों, 8/24, क्योंकि कुल घंटे 24 है, हमने 8 घंटे लेने हैं। तो 8/24 इसको अगर आपको काटना आता है आप काट सकते हैं, 1 ही 8, 3 8 24। तो बच्चों जो भिन्न है वो क्या बनी, 1/3। तो इस तरह से 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है, 1/3 भिन्न। पांचवा प्रश्न है, 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है। तो यहां भी बच्चों आप पहले एक घंटे में मिनट ज्ञात करेंगे। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट का एक घंटा होता है। एक घंटा बराबर है 60 मिनट। अब आपने ज्ञात करना है 40 मिनट एक घंटे की भिन्न। तो इसलिए 40 मिनट एक घंटे की भिन्न बराबर है 40/60, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट हुए, 60 मिनट। तो अब हम 0 से 0 काटेंगे, 4/6 बचेगा, 2 से काटेंगे, 2 × 4, 3 × 6, और हमारे पास रिजल्ट कितना आया, 2/3। तो इस प्रकार 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है, 2/3। बच्चों आज के लिए इतना ही, और आज का आपका होमवर्क है, आपने प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब आपने प्रश्नावली 7.1 के पहले 5 प्रश्न करने हैं, और उसकी फोटो लेकर ग्रुप में ज़रूर भेजनी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।